हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम आई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्किट थ्योरी जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन, जिसको मैं बहुत इजी बना के आपको करके दिखाऊंगी और सिखाऊंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप गारंटी है मेरी 10 out of 10 marks। ये क्वेश्चन 10 marks का आता है, मे बी 15 marks में भी आया हुआ है, 2016 में भी आया है और रिसेंटली भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए या इसके साथ की मिलती जुलती सी डिजिट आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट इन द वेरियस एलिमेंट, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में I1, I2 और I3 निकालना है यूजिंग मैश एनालिसिस। तो बेसिकली मैं बता रही हूँ मैश एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी, स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। है मैंने इसको पूरा का पूरा एज इट इज ड्रॉ कर लिया है 10 ईयर में से। अब जो 10 ईयर में आंसर दिया है ना, आपको उसको भूल जाना है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जिस मेथड से मैं बता रही हूँ आपको, इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। एग्जाम में आप एज इट इज भी इसको करोगे ना तो एक भी मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता, ठीक है। पर ये वाला थोड़ा सा मेथड अलग है, ठीक है, बट चीज वही सेम है, मैश एनालिसिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्किट ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद इसमें करंट का फ्लो डायरेक्शन वाइज हमें देना है। सबसे पहले स्टेप जो है ना वो ये, तो हम इसमें दे लेते हैं, इस करंट फ्लो को हम नाम देते हैं I1, इस करंट के फ्लो को दे दिया I2 और इसको दे दिया I3। अब आपको ये नहीं देखना कि कौन सी डायरेक्शन में करंट जो है ना वो सर्किट में जा रहा है, बस आपको क्लॉकवाइज सारी डायरेक्शन सर्किट्स के क्लॉकवाइज करनी है। ये भी क्लॉकवाइज करा है, ये भी क्लॉकवाइज करा है और ये वाला भी। I3 से मतलब है इस वाले पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, I1, I2 और I3। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इसकी इक्वेशंस बनानी है। तो उसके लिए मैं, सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसी के बेस पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोज ये दो पार्ट्स हैं ए और बी, ठीक है, इनकी जो टोटल वैल्यू है वो है सपोज एक्स, दोनों को प्लस करके ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स सपोज, ठीक है। अगर हमें निकालना है ए का तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू इस पूरे में से एक्स में से बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए तो हम इस पूरे में से इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा बी निकल जाएगा। तो वही सेम कंसेप्ट हमें इसमें लगाना है, ठीक है। अगर हमें, हम अब इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखते हैं। अब सबसे पहले जो इक्वेशन बनाते हैं ना वो हम बनाते हैं इस पार्ट की। तो इस पार्ट की कैसे बनेगी, सबसे पहले हम ये जितनी भी वोल्टेज लगी होगी ना, सपोज ये 10 वोल्ट है, ठीक है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इस वाले सर्किट में किस तरीके से I2 हमें निकालना है, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं, एक इसकी इक्वेशन बनेगी, एक इसकी इक्वेशन बनेगी और थर्ड इक्वेशन इसकी बनेगी, फिर इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी किस इजी तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले लेते हैं I2 वाला, ठीक है। तो इसमें से जितनी भी वोल्टेज है ना, सपोज ये है वोल्टेज, अब देखिए जो करंट की डायरेक्शन है ना वो है इस डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले जिस तरफ से करंट निकलता है ना, हम वो वाला साइन अज्यूम करते हैं। सपोज ये इस तरह से करंट जा रहा है, ठीक है, अब ये प्लस की साइड से इस तरह से फ्लो कर रहा है ना, ये देखिए ऐसे जाके इस तरह से जा रहा है, तो प्लस के डायरेक्शन पे जा रहा है, तो हम प्लस का ही साइन लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया 10। मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा रही हूँ, यहां हमने लिख दिया 10। उसके बाद यहाँ पे जा रहा है, ये है रेजिस्टेंस जो कि है 1 ओम की, ठीक है। अब 1 ओम की रेजिस्टेंस में से हमें I3 माइनस करना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ये प्लस है, ठीक है, करंट कहां से फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। हम इसको अपनी तरफ से डायरेक्शन दे देते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो प्लस का 10 आ गया क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है, ठीक है। उसके बाद हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कहां से छोड़ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, जहां से यहां से करंट एंटर हुआ
और यहाँ से करंट गया, तो जहां से गया ना तो हम वो वाली डायरेक्शन लेते हैं और ये डायरेक्शन है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है, आई टू माइनस का अब ये क्या है वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन, रेजिस्टेंस लिख दी, ठीक है। अब आई टू इसमें से हमें आई थ्री माइनस कर देना है, ठीक है, आई टू माइनस आई थ्री, ठीक है। उसके बाद इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे, ये कर लिया, ठीक है। अब इसकी बारी, तो यहां पर कहां से करंट छोड़ रहा है, नेगेटिव, यहां पे गया ना करंट, तो फिर नेगेटिव, तो दोबारा से माइनस का साइन वन, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, आई टू माइनस आई वन, यानी कि ये वाला सर्किट साथ में लगता है ना, तो ये वाला जो इसमें जो आई वन होगा ना वो माइनस कर देंगे। जब हमने ये वाला करा था आई टू, ये वाला करा था, तो हमने इसमें से ये वाले रेजिस्टेंस के लिए, ये वाली रेजिस्टेंस में ये वाला सर्किट टच हो रहा है, तो हमने आई थ्री माइनस कर दिया था, ठीक है। अब हम यहां से फ्लो करेंगे, तो हम ये वाली रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो हमें इस वाले पर्टिकुलर इसकी निकालनी है, तो इसके साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ और कौन सा सर्किट टच हो रहा है, आई वन वाला, तो हम इसमें से इस वाले को माइनस भी करेंगे, तो आई टू माइनस का आई वन, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, अब आई इसकी बारी, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव से छोड़ रहा है करंट, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का जो भी वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी, वन है तो वन, फाइव है तो फाइव, ठीक है, यहाँ पर वन लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो कोई भी सर्किट साथ में नहीं जुड़ा हुआ, इस रेजिस्टेंस का सिर्फ यही एक सर्किट है, दूसरा कोई सर्किट नहीं जुड़ा हुआ, तो हमें कोई भी करंट माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल इसमें लिख देंगे आई टू, तो ये हो गया वन आई टू। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई इस वाले सर्किट की, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे इस वाले सर्किट की, ठीक है। उसके बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है, पहले हम इक्वेशंस की जो फर्स्ट लाइन है ना वो निकाल लेते हैं। तो मैंने वहां पर इक्वेशन लिख दी है जो हमारी निकली है। अब हम इस वाले सर्किट की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वोल्टेज कहां पर लगी है, ठीक है। करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉक वाइज, तो इधर से करंट निकल, इधर से गया ऐसे और इधर से निकला, तो हम ये वाला जो साइन है ना ये प्रेफर करेंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे फाइव, ठीक है। उसके बाद फाइव वोल्ट, फाइव लिख दोगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी करंट की डायरेक्शन दे देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ये तो ऑलरेडी दे रखी है हमने फर्स्ट वाले सर्किट में दी थी, नेगेटिव और पॉजिटिव, पर आप चाहो तो दोबारा से इस वाले सर्किट, पर्टिकुलर सर्किट के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो अब जो हमारा सर्किट काम कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन दे दी फाइव, हमारा करंट कहां से गया, सबसे पहले आई ये वाली रेजिस्टेंस, माइनस से गया, यहां से फ्लो होता है, जहां से करंट निकलता है वो वाला साइन हमेशा आता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस का वन, और इसके साथ कोई भी सर्किट कनेक्ट नहीं है, सिर्फ आई वन है, तो यहां पर लिख देंगे आई वन। उसके बाद यहां पर करंट गया, माइनस से निकल रहा है, ठीक है, यहां से माइनस से निकल रहा है, तो माइनस का साइन आएगा, वन ओम की रेजिस्टेंस है तो वन, ठीक है। अब आई वन, अब इसमें से आई टू वाला सर्किट जुड़ रहा है, तो हम आई वन में से आई टू को माइनस करेंगे जब भी हमारा आई वन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, तो हम कर देंगे आई वन माइनस का आई टू। उसके बाद दोबारा से करंट यहां से फ्लो होता हुआ आया, और ये प्लस और माइनस यहां से गया है, तो दोबारा से माइनस का साइन आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे जितनी भी वैल्यू है, उसके बाद आई वन माइनस आई थ्री आएगा, क्योंकि इस वाली रेजिस्टेंस के साथ पर्टिकुलर ये वाला जो सर्किट है इसका करंट माइनस होगा जब इस वाले का निकलेगा, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे आई वन माइनस का आई थ्री, हमने ये माइनस क्यों कर रहे हैं, आई वन माइनस आई थ्री, हमने ये वाला सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस के साथ टच हो रहा है हमारा ये वाला सर्किट, तो हमें इस वाले का जो करंट है ना वो पर्टिकुलर इस वाले सर्किट का हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हम माइनस करेंगे जबी तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको माइनस करा है। तो ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, ये वाला सर्किट सॉल्व कर लिया हमने, ये वाला कर लिया, अब कौन सा बचा, आई वन हो गया, आई टू हो गया, अब बचा आई थ्री वाला सर्किट। तो इस सर्किट में हम सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज कहाँ लगी हुई है, तो ये है 5 वोल्ट, है ना, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 5 वोल्ट, ठीक है। अगर आपको अभी भी इन दोनों को समझा के नहीं समझ में आया तो ये थर्ड वाले को समझो, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले वोल्टेज लिख ली 5, ठीक है। अब करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि
क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये आई थ्री, तो यहां से चला और यहाँ पे गया, यानी कि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो इसमें पॉजिटिव आया, ठीक है। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस आया, करंट की डायरेक्शन हम दे देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसके साथ कोई भी आई वन या आई टू कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम सिंपल यहां पर लिख देंगे माइनस का, क्योंकि माइनस से निकल रहा है करंट, इस तरफ को फ्लो कर रहा है, माइनस का आई थ्री। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस टच हो रहा है, तो ये वाला किससे, आई वन से टच हो रहा है, ठीक है। तो कहां से, यहां से फ्लो कर रहा है, माइनस से निकल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस का रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आई थ्री माइनस का आई वन, आई थ्री माइनस का आई वन, क्योंकि इसमें से आई, इस रेजिस्टेंस में से हमें आई वन माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर सर्किट का भी रेजिस्टेंस है, इसलिए हमें इस वाले का करंट माइनस करना पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास आई थ्री की वैल्यू पूरी की पूरी आएगी, ठीक है, इसीलिए आएगी। ये वाला सर्किट हो गया, उसके बाद यहां से फ्लो करा, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद यहां से फ्लो कर रहा है, तो ये यहां से यहां जाके यहां पर निकल रहा है नेगेटिव से, तो माइनस का साइन फिर से आ गया यहां पर, ठीक है। और वन आई थ्री माइनस, अब इसमें से आई टू माइनस करेंगे, तो ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हमने क्या करा है, ये आई वन आई टू और आई थ्री, इन तीनों की इक्वेशन हमने निकाल ली है, ठीक है। मैंने यहां पर तीनों इक्वेशन लिख दी है जो मैंने निकाली थी अभी। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जी हाँ सॉल्व करना है। जो मेन पार्ट होता है ना, वो होता है इक्वेशन निकालने का, जो कि मैं आपको सिखा दिया, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं अलग से थोड़ा स्लो मोशन में समझाने की कोशिश करूंगी, हो सकता है फिर आपको समझ में आ जाए। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लेते हैं ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। टेन माइनस वन आई टू माइनस का आई थ्री माइनस वन आई टू माइनस आई वन माइनस वन आई टू, बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का। तो चलिए इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इजी है, हम लोगों ने स्कूल में भी सीख रखा है इसे। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 माइनस, अब ये जो 1 है ना, इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू आई टू माइनस का 1 आई टू, ठीक है, 1 इंटू आई थ्री। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें साइन को भी साथ में माइनस करना है, माइनस 1 इंटू माइनस आई थ्री, ठीक है, आई थ्री हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। हमें इन दोनों के साथ साथ साइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस उतारा, सेम हमें यहां भी करना है। वन को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे आई टू से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आई वन से, तो वन इंटू माइनस तो यहीं पे है, माइनस वन इंटू आई टू क्या होगा, माइनस का आई टू। उसके बाद माइनस वन इंटू माइनस आई वन, माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करा, ये लिख दिया। उसके बाद माइनस, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ है ही नहीं है। और एक और चीज, हमें इज इक्वल टू जीरो जरूर करना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितनी भी आई टू आई टू आई टू है ना, और जो आई वन आई वन आई वन है, उनको एक जगह पे लिखना है, ठीक है। तो टेन माइनस आई टू, ठीक है, ये वाला माइनस साइन भी साथ में ही लेकर आते हैं, ठीक है, माइनस का आई टू, माइनस का, वन को हमने नहीं लिखा है, माइनस का आई टू, उसके बाद क्या बच गया, आई वन बच गया, प्लस का आई वन, साइन भी मैंने साथ में ही लिखा है, और ये बच गया आई थ्री, प्लस का आई थ्री, तो यहाँ लिख दिया प्लस का आई थ्री इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेन माइनस, अब ये कितने आई टू है, ये है थ्री, वन इंटू वन इन वन, माइनस 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 प्लस, सॉरी, तो साइन कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन आ गया यहाँ पर माइनस का थ्री आई टू, ये तीन आई टू है ना, प्लस का प्लस है, तो हम यहाँ पर करेंगे भी वही, ठीक
ठीक है, तो साइन माइनस का क्या, और हमने इन सबको प्लस कर दिया क्योंकि ये आई टू आई टू आई टू वाले थे, ठीक है। उसके बाद साइन के साथ ये बच गया तो हमने ये लिख दिया इधर। अब हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, हमको आई वन सबसे पहले लिखना है, फिर आई टू लिखना है, फिर आई थ्री लिखना है, और साइन को भी साथ में ही लेकर जाना है। देखिए कैसे, प्लस का आई वन, तो प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, आई वन। उसके बाद आई टू आता है तो साइन के साथ माइनस थ्री आई टू, साइन के साथ प्लस आई थ्री इक्वल टू, सॉरी टेन भी लिखेंगे, प्लस का टेन है, प्लस का टेन इक्वल टू जीरो। अब जो फाइनल इक्वेशन है ना वो अब मैं बताने जा रही हूं, ठीक है। फाइनल इक्वेशन आपकी होगी आई वन माइनस थ्री आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू, इस टेन को यहां पर ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का टेन, ये हमारी इक्वेशन निकल आई। तो ये है हमारी फाइनल जो इक्वेशन निकल कर आई है, ठीक है। तो इसको मैं रब करती हूँ और आपको जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो सॉल्व करके, इसी तरीके से हमको तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो जिनको नहीं समझ में आया ना वो एक बार दोबारा देख सकते हो, मैं सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। फाइव एज इट इज लिख दिया, माइनस वन आई वन एज इट इज, किसके साथ कुछ भी नहीं है, माइनस इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वन इंटू आई वन माइनस का आई वन, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस वन इंटू आई टू आई टू, यहां तक सॉल्व हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद माइनस का वन, सॉरी वन नहीं, माइनस का साइन लगाया हमने यहां पर, वन इंटू आई वन माइनस का आई वन, माइनस माइनस प्लस वन इंटू आई थ्री, ठीक है। अब वन वाले एक जगह पे, टू वाले एक जगह पे, और आई थ्री वाले एक जगह पे, तो यहाँ पर फाइव लिखा सबसे पहले, माइनस का वन आई वन, और इस इक्वेशन में से आई वन की टर्म कौन सी है, ये वाली, ये ऑलरेडी इस पोजीशन में है, सबसे पहले वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर हमें जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो जरूर कर देना। उसके बाद माइनस का वन आई वन, सॉरी हाँ, अब ये जो आई वन वाले है ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस फाइव एज इट इज लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस पर साइन बड़े वाले का, ठीक है, इनको प्लस करेंगे, वन इन वन प्लस वन यानी कि टू, ये आ गया टू आई वन, ठीक है, प्लस का, सॉरी आई वन आई वन आई वन, एक मिनट मुझसे गलती हो गई थी, आई वन और आई वन, ये भी तो आई वन है, तो आई वन वालों को एक जगह पे लिखते हैं, माइनस का वन आई वन माइनस का आई वन, और ये वाला आई वन प्लस आई टू प्लस उसके बाद आई थ्री इक्वल टू जीरो। और इसी तरीके से मैंने ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो सबसे पहले वन वाला लिखेंगे, फिर आई टू, फिर आई थ्री इक्वल टू फाइव को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का फाइव आ गया, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। जैसे हमने वो वाली दो इक्वेशन सॉल्व करी थी, इसी तरीके से हम ये वाली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व करिए पेपर पर और देखते हैं जल्दी जल्दी कौन करता है। फाइव माइनस का आई थ्री माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस आई वन माइनस, इस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई थ्री माइनस माइनस प्लस आई टू। अब सारे आई वन वाले एक तरफ, आई टू वाले एक तरफ, और आई थ्री वाले एक तरफ, माइनस ये आई वन, सॉरी प्लस का साइन के साथ जाएगा, प्लस का आई वन, उसके बाद आई टू वाले, सिर्फ एक ही आई टू वाला, तो प्लस आई टू, अब आई थ्री वाले, ये वाला ये वाला ये वाला, तो माइनस आई थ्री माइनस का आई थ्री इक्वल टू जीरो। फाइव प्लस आई वन प्लस आई टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का आएगा और होगा प्लस फाइव आई थ्री इक्वल टू जीरो। अब आई वन सबसे पहले आई वन वाला,
फिर आई टू वाली डिजिट, फिर आई थ्री वाली डिजिट, 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये थर्ड वाली इक्वेशन भी निकल गई। तो इस सर्किट को सॉल्व करके हमने I1, I2 और I3 दोनों, ये तीनों के तीनों हमने इक्वेशन को सॉल्व किया आपके सामने। कुछ नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे जो इक्वेशंस मिली है ना हमें, वो ये वाली मिली है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। अब हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना तो हमें मिलेगा I1, I2 और I3। और ये क्वेश्चन क्या था ये वाला, कि हमें इसमें वैल्यूज निकालनी थी, I1 की वैल्यू निकालनी थी, I2 कितना है और I3 कितना है, हमें ये वैल्यूज निकालनी थी। तो ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इन तीनों इक्वेशंस जो हमने निकाली हैं एट द एंड, ये वाली जो इक्वेशन है इनको सॉल्व करके। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी साइंटिफिक कैलकुलेटर में, इसका आसान तरीका क्या होता है। और वैसे भी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना वो हमारे एग्जामिनेशन में अलाउड होता है, सिंपल वाला नहीं होता है बट साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। मेरे पास ये वाला है FX991MS, ठीक है। इस वाली कैलकुलेटर से मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशंस को कैसे एक सेकंड के अंदर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाली तीन इक्वेशंस हैं, इसको मैं आप इन तीनों इक्वेशंस को सिखाऊंगी कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया है साइंटिफिक कैलकुलेटर। देखो सबसे पहले आपको ना मोड दबाना है एक बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा लिखा हुआ। फिर आप इसको दूसरी बार प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपको इसको तीसरी बार प्रेस करना है। जब आप तीन बार इसको प्रेस कर दोगे मोड वाले बटन को, तो यहां पर लिखा आएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे लिखा है EQN, यानी कि इक्वेशन, ठीक है। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको 1 दबाना है, तो यहां पर मैं दबा दूंगी 1। तो यहां पर मैंने 1 को प्रेस कर दिया है। अब आप पूछेगा कि 2 अननोन है कि 3। अगर मेरा I1 और I2 निकालना होता मुझे तो मेरे 2 अननोन होते। अब मुझे क्या निकालना है इस इक्वेशन में, देखो I1, I2 और I3 तीन निकालने हैं, 3 का मतलब है 3 अननोन। अब इस इक्वेशन में I1, I2 और I3 मुझे तीनों निकालने हैं तो 3 अननोन होंगे, तो मैं यहां पर प्रेस कर दूंगी 3। 3 को प्रेस करने के बाद अब मुझसे पूछ रहा है A1, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, अब इन सब की वैल्यूज पुटूंगी, ठीक है। अब इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपसे वैल्यूज पूछ, A1, B1, C1, D1, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन वाली है, इसमें ये होगा A2, B2, C2 एंड D2, ठीक है। और ये वाला होगा A3, B3, C3 एंड D3। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, A1। तो A1 की क्या वैल्यू है यहाँ पर, 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पर हमने कर दिया 1 पुट। और 1 पुट करने के बाद ना इक्वल टू का साइन दबाना है हमें। उसके बाद आपसे पूछेगा B1, तो B1 क्या है, माइनस का 3। तो B1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस और 3, ठीक है। और दबा देना है इक्वल टू का साइन, आप सबको पता है इक्वल टू का साइन ये वाला होता है, ये दबा दिया। अब आपसे पूछा है इसमें C1, तो C1 की क्या वैल्यू है, यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। तो C1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू का साइन दबाएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा D1, अब D1 कौन सा होगा इस इक्वेशन में, ये होगा D1, ठीक है। तो माइनस का 10 साइन के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपका D1 क्या है, माइनस का 10। ये हमने वैल्यू पुट करी माइनस का 10, और अब दबाऊंगी मैं इक्वल टू का साइन। अब ये पूछेगा A2, A2 कौन सा होगा, अब ये सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये A2 है यानी कि माइनस का 3। B2 की वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है। C2 की वैल्यू होगी 1 और D2 की वैल्यू होगी माइनस का 5। तो इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। A2 क्या है हमारा, माइनस का 3, तो ये हमने पुट किया माइनस 3, इक्वल टू का साइन। अब ये आया B2, B2 की वैल्यू है 1, इक्वल टू, अब C2 पूछा है इसमें, I3 हमारा कितना है, ये भी 1 है। अब D2 पूछा है, इसका मतलब माइनस का 5 है। अब पूछ रहा है A3 वाली लाइन, ठीक है, यानी कि इन तीनों इक्वेशन को एक साथ ही सॉल्व करना है। तो जो A3 है, ये A3 है, ये B3 है, ये C3 है और ये D3 है। अब इन सबको भी सॉल्व करते हैं। A3 की वैल्यू है 1,
तो यहाँ पर पुट कर दिया 1, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, P3 की वैल्यू भी है 1, इसमें भी इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर पूछा है C3 की वैल्यू है -3, ये देखिए थर्ड इक्वेशन की ये वाला पार्ट, तो पुट कर देंगे -3 इक्वल टू D3 की वैल्यू है -5। अब हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू का साइन दबाना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक आपका आ गया I1, I1 की वैल्यू आ गई आपकी 6125, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ I1 इक्वल टू 6.25। उसके बाद इक्वल टू का साइन दोबारा दबाओगे तो Y की वैल्यू है, ये है I2 की वैल्यू, I2 इक्वल टू 7.5। उसके बाद दोबारा से इक्वल टू का साइन दबाओगे तो ये Z की वैल्यू आ गई, Z मतलब I3 की वैल्यू, तो ये भी आ जाएगी 6.25। तो बेसिकली हमें क्या निकालना था, I1, I2 और I3, तो ये वैल्यूज आ गई हैं I1, I2 और I3 की। देखा, कर लिया ना इस क्वेश्चन, इस सारी इक्वेशंस को हमने मिनटों में सॉल्व। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखते मुश्किल हैं बट होते नहीं हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत इजी है। सर्किट थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल है, मैथ्स की तरह इसमें नंबर मिलते हैं। अब देखो, मैंने आपको पूरा का पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी बताई, जो कि बहुत आसान थी, है ना। इसको एक बार निकाल के देखो, प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आईडी है mi.inspiration8@gmail.com, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट क्यों मानते हैं सर्किट थ्योरी में, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी था, कंसेप्चुअल था एक एक चीज। आपको प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमने सर्किट सॉल्व करे I1, I2 और ये वाला I3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशन मिली, ठीक है, जिन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमें ये 3 इक्वेशंस मिली। इस 3 इक्वेशन के मिलने के बाद हमें इसमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी थी। ये वाली 3 इक्वेशन मिली हमें, इस 3 इक्वेशन से हमने ये वाली 3 इक्वेशंस निकाली, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये वाली 3 इक्वेशंस निकाली थी। अब हमें इन 3 इक्वेशंस को साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू हमें सॉल्व करना है और निकालनी है I1, I2 और I3 की वैल्यू। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसमें जितना भी करंट मेश एनालिसिस में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, I1, I2 और I3, इस तीनों को हमें बताना है कि I1 कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पर, I2 कितना फ्लो हो रहा है और I3 कितना फ्लो हो रहा है। तो हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू बतानी थी, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं मेश एनालिसिस के थ्रू, जो कि आप देख चुके हो। I1 है 6.25, I2 है 7.5 और I3 है 6.25। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करके ही जाओगे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल की नोटिफिकेशन के साथ, बेल आइकन के साथ, नहीं तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है ना वो नहीं मिल पाएगा। और प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा अगर कोई डाउट रह गया हो आपके मन में। तो बेसिकली मेरा एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर मैं डिप्लोमा और बीटेक वाले कोर्सेज करवाती हूं, उनके डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियोज में आप सारी तरह के, चाहे AMI चाहे रेगुलर, दोनों बीटेक में आप लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट मैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। मैं सारे सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, सारे, चाहे सर्किट थ्योरी हो, लैपलेस हो, माइक्रोप्रोसेसर हो, सारी वीडियोस हैं। आप सीखना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माई वीडियो।